दिस इज पूनम धरोड़ नागड़ा, आज मैं और नीता गाला आप सभी के सामने एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट, इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जब भारत में ये कोरोना आ पहुंचा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की अनाउंसमेंट की, तब से लेके अब तक बहुत ही अफरा तफरी छाई हुई है, सभी के मन में मायूसी छाई हुई है, इमोशनल ब्रेकडाउन है। और तब हर कलाकार जब सोचता है कि क्यों ना कुछ नया किया जाए, हमने भी सोचा कुछ नॉर्मल नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होना ही चाहिए। तो आपके लिए बहुत ही प्यारी सी चीज आज हम लाने वाले हैं। और जब मोदी जी की लेटेस्ट स्पीच में कच्छ की अनाउंसमेंट हुई, कच्छ की बातें हुई, तब हमने सोचा कि क्यों ना शुरुआत ही कच्छ से की जाए। तो जिनका नेटिव प्लेस कच्छ है, ऐसे हमारे आज के सबसे पहले सेलिब्रिटी आरोपी है तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम गोली, जिनका नाम है कुश शाह। और हमारा ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट पावर्ड बाय शेमारू, स्पेशल थैंक्स टू बुद्धिचंद भाई शेमारू। सो जरूर से मिलिएगा आज रात 8 बजे एक प्यारी सी अदालत में, जिसका नाम है एक अनोखी अदालत, क्योंकि हर दिल कुछ कहता है। थैंक यू। अब शुरू होने जा रहा है एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मुकदमा, अनोखी अदालत, नीता और पूनम के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीता गाला। और मैं हूँ पूनम धरोड़ नागड़ा। और आप सभी का करते हैं पुनीता के बल में हार्दिक स्वागत। छोटे हो या बड़े, सबको मिलेगी कॉमेडी की दावत, क्योंकि ये है पूनम और नीता की अनोखी अदालत। एक दूसरे का साथ ही है प्यार की दौलत, क्योंकि ये है एक अनोखी अदालत। क्या ही ये अनोखी अदालत, तो कभी होगी मजेदार किस्सों की होली, और कभी इल्जामों के तीरों से भर जाएगी झोली। ये अदालत में बजेंगे हंसियों के ढोल और हम दो इसके ढोली। और आज इस अदालत में आने वाले हैं वन एंड वन ओनली तारक मेहता फेम गोली। एक फालूदा देना आप लोग। नहीं नहीं भाई, गोली पहले गोला तो खत्म कर। नहीं क्या है, अभी हो जाएगा। वो पानी पूरी वाले के पास जाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, आइडिया पक्का आ जाएगा। एक काम करते हैं, टिफिन आप खा लो, चुप तो मैं खा लेता हूँ। तू तो भूख लेने आया है ना बेटा। लेकिन जेटा अंकल, वो गाड़ी स्कूटर में कैसे रिजर्व पेट्रोल रहता है, वैसे ही सेम मेरे पेट के अंदर रिजर्व भूख रहती है। जब भी खाना खाने के बाद मैं कोई इंटरेस्टिंग खाने की चीज देखता हूँ ना, तो रिजर्व भूख से खा लेता हूँ। सबको हंसा हंसा के लोटपोट करने वाले गोकुल धाम के भारी भरकम वीर टप्पू सेना के सर सेनापति कुश शाह उर्फ गोली हाजिर हो। थैंक यू सो मच फॉर द लव। आपका यहाँ से हार्दिक स्वागत। गोली जी आप यहाँ पे पधारे, एक अनोखी अदालत में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तारक मेहता फिल्म गोली और हमारे कच्छी समाज के कोहिनूर कुश शाह हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच मने यहाँ इन्वाइट करवा माटे एक अनोखी अदालत में। थैंक यू नीता आंटी और थैंक यू पूनम आंटी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। क्या आंटी नॉटी। ओ हेलो खुश, मैं आपको आंटी लगती हूँ। और हमारी इस अदालत के जज है एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, जो एक प्रोफेशनल राइटर और म्यूजिशियन है, जिन्होंने कई टीवी शोज लिखे हैं, और उसी के साथ साथ राजू श्रीवास्तव, सुनील ग्रोवर, किको शारदा और इंडिया के और भी कई बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन के साथ ऑफिशियल राइटर के रूप में काम किया है। सो प्लीज वेलकम आवर लवली जज प्रकाश वाडेकर। और हम हैं इस अदालत के वकील विद फील एंड स्किल। जज साहब, अगर आपकी परमिशन हो तो अदालत की कार्यवाही शुरू करें। ऑर्डर ऑर्डर। आओ पूनम, अदालत की कार्यवाही शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप इस चॉकलेट बॉक्स पे हाथ रख के कसम खाइए
कि आप जो कुछ भी कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कुछ भी कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो आइए आपके सामने रखते हैं जनता का पहला सवाल। एनडीएस गोली जनता पहले सवाल में आपको पूछना चाहती है कि क्या आप रियल लाइफ में वैसे ही हो जैसे रियल लाइफ में हो, यानी कि तारक मेहता में जैसा गोली हम देख रहे हैं क्या रियल लाइफ में वैसा ही गोली है? ऑब्वियसली नहीं हूँ वैसा कि जैसा मैं रियल लाइफ में तो खुश हूँ और रियल लाइफ में मैं गोली हूँ, तो वही मेरा जॉब है कि खुश से गोली का जो डिफरेंस है वो स्क्रीन पे दिखना चाहिए, नहीं तो आई थिंक वो बहुत एफर्टलेस जॉब हो जाता है कि अगर आप में कोई डिफरेंस नहीं दिखता है। तो आई मेक अ पॉइंट, भले मतलब गोली और खुश में बहुत सिमिलर चीजें हैं, लेकिन आई मेक अ पॉइंट कि हम लोग दोनों बहुत डिफरेंट हो इन जनरल और स्क्रीन पे भी। तो गोली क्वांटिटी में बिलीव करता है और खुश शायद क्वालिटी में बिलीव करता है। क्या बात है, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। शून्य में से सर्जन करना पहले हमारे बाप दादाओं की क्वालिटी थी, और आज की जनरेशन क्या ये कर पाएगी? पहले के लोग जो बाप दादा करते थे वही बेटे कंटिन्यू करते थे, आज वैसा नहीं है। तो कुश, आजकल की जनरेशन बहुत ही कंफ्यूज्ड होती है, व्हाट दे एक्चुअली आर एंड व्हाट दे रियली वांटेड टू बी, तो इस पे आपका क्या कहना है? कुश, आपको कभी ऐसा लगा कि आप कुछ और करना चाहते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि नॉट नोइंग व्हाट टू डू, मतलब आजकल के जनरेशन में जैसे आपने कहा बहुतों को नहीं पता है कि उनको एक्चुअली लाइफ में क्या करना है, दैट इज बिकॉज ऑफ वेरिड सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ते हैं उसके कारण हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हम लोग के एजुकेशनल सिस्टम का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बाहर जाओगे तो आपको स्पेशलाइजेशन करने मिलता है 11th के बाद ही, मतलब आप आफ्टर 10th यू कैन चूज योर ओन सब्जेक्ट्स, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में वो जब आएगा तब आएगा, लेकिन तब तक इट इज कम्प्लीटली ऑल राइट टू नॉट बी कन्फर्म कि आपको क्या करना है। आपको जो भी करना है, आप शायद मुझे मैंने अगर बचपन में मुझे मम्मी पापा ने एक्टिंग से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होता तो शायद मैं अभी 23 इयर्स ओल्ड हूँ, अभी तक मुझे नहीं पता होता कि मुझे लाइफ में क्या करना है। इट इज ऑल राइट, आपको बस नॉलेज का भंडार अपने अंदर डालना है, और आई थिंक आप जब नॉलेज से आपकी मुलाकात हो जाएगी तब आपको आपके चॉइस का सब्जेक्ट मिल ही जाएगा। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट के शून्य में से सर्जन जो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर्स ने किया है, वो डेफिनेटली आई थिंक हम लोग कर सकते हैं, पर ऑब्वियसली बड़ों के एक्सपीरियंस से ही होगा ये, जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर्स हमारे मम्मी पापा उनके एक्सपीरियंस और हमारे इनोवेटिव टेक्निक्स से अगर दोनों की सिनर्जी को हम लोग मिक्स कर दे तो हम लोग आई थिंक वंडर्स कर सकते हैं। क्योंकि पुराने जो थॉट्स होते हैं, हम लोग के पुराने समाज के जो थॉट्स है, हमारी जो नींव है, हमारा जो फाउंडेशन है, वो तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल्सो वो फाउंडेशन के साथ इनोवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आई थिंक दोनों का सिनर्जी जब होगा तो वी कैन मेक वंडर्स। जैसे वी ऑल नो यू आर फ्रॉम कच्छ, आप आज जो कुछ भी है इसमें आपको लगता है कि हमारे कच्छी समाज का कुछ योगदान है? क्या हमारा केवियो समाज जमाने के हिसाब से कदम से कदम मिला के चल रहा है? सो आई लाइक टू आंसर दिस वे। मेरा नाना मणिलाल लालजी गाला, वो बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, सो ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम माटुंगा बोर्डिंग। मेरे दादा शांतिलाल भीमसी पे था, वो खुद सोनगढ़ से थे, सोनगढ़ बोर्डिंग में थे, तो मुझे पहले से ही दोनों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। और बचपन में मुझे बोलते थे कि तू भी माटुंगा बोर्डिंग चला जा, तू भी सोनगढ़ बोर्डिंग चला जा, लेकिन तब मुझे लगता था कि यार ये लोग मुझे पनिश कर रहे हैं, लेकिन अब जाके समझ में आ रहा है, तब मैं अगर उनकी बात मान जाता मेरे मॉम डैड की तो शायद मुझे वो हॉस्टल का एक्सपीरियंस एक बहुत ज़्यादा अलग मिल जाता। ऑल्सो रही बात हमारे समाज की, तो हमारी समाज इतने सारे एक्टिविटीज करती है, जिससे बहुत सारे हम लोग उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वमान लग्न हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए, जिसको भी जो जरूरत होती है हमारे समाज उसको पूरा से पूरा प्रोवाइड करने में बहुत 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 ज़्यादा कोशिश करते हैं।
ऑल्सो भेरपो ओलंपिया ऐसी एक्टिविटीज से, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि नेटवर्किंग से बड़ी कोई चीज़ कभी हो ही नहीं सकती। बिल गेट्स भी बिल गेट्स बना है क्योंकि नेटवर्किंग उसकी स्ट्रांग थी। मार्क जकरबर्ग भी मार्क जकरबर्ग इसीलिए ताकि उसकी नेटवर्किंग स्ट्रांग है। तो आई थिंक ये भेरपो ओलंपिया जैसी एक्टिविटीज से हमारी नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है, हम हमारे समाज को जानते हैं, हम हमारे समाज को पहचान पाते हैं, लोगों से मिल पाते हैं, लोगों से कॉन्वर्जेशंस होती है, फिर वो कॉन्वर्जेशंस कहाँ लीड करती है क्या पता यार, आप खुद स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक बन सकते हो, क्या पता। नेटवर्किंग बेसिक हमारा जो है, इतनी डीप सोच वाली हमारा जो समाज इतने ज़्यादा काम करता है, उससे शायद हमारे यूथ को एलिवेशन मिलता है, नेटवर्किंग से कॉन्फिडेंस मिलता है कि दूसरे लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करना। ऑल्सो अब्रॉड में जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनको हमारा समाज मदद करता है। सो इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव हमारा समाज, एंड आई एम प्राउड टू बी अ कच्छी। हमारे केवीओ समाज की ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो आपको लगती है कि बहुत ही बेस्ट है? आई थिंक हमारे समाज का वही फाउंडेशन है मानव धर्म, हमारे समाज का, हमारे धर्म का ये फाउंडेशन है कि हम दूसरों को पहले रखते हैं और हमें बाद में रखते हैं। तो आई थिंक ये सब एलिमेंट्स का जो मिक्सचर है वो हमारे समाज को ग्रेट बनाता है। और गोली, जैसे हमने अनाउंस कर दिया सोशल मीडिया पर कि आप पधारने वाले हो, तो हमें बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे व्हाट्सएप आ गए और उसमें से हमने दो सवाल चुने हैं जो आपको हमारी जनता पूछने वाली है। इसमें से सबसे पहले राजकोट से हर्षद भाई पटेल की पूरी फैमिली आपको सवाल पूछना चाहती हैं, तो आइए मिलते हैं हर्षद भाई पटेल की फैमिली को स्क्रीन पर। मैं हर्षद पटेल राजकोट से पूछना चाह रहा हूं, और पहले तो मैं, ये पूरा मेरा परिवार है, हाई कर रहे है, और अब मैं स्पेशली गोली को ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि इतनी कम उम्र में तुमने इतना बड़ा फेम ले लिया है, इतना हर घर में हर लोगों के दिल में तुमने जगह बना ली है अपनी एक्टिंग से, अपनी बातों से। तो आगे दूसरा ये भी हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इतनी कम उम्र में तुमने इतना टैलेंट और इतनी होशियारी और तुम्हारी जो वोकैबुलरी है वो कैसे तुमने डेवलप किया है, ये एक हमारा क्वेश्चन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि नॉलेज सब जगह है, जैसे थ्री इडियट्स में बोला है, सब जगह नॉलेज है, जहां से मिलो लपेट लो, तो वैसा ही है। आई डोंट थिंक कि बुक्स खाली बहुत बड़ा मेजर पार्ट प्ले करती है नॉलेज देने में। आई थिंक सब लोग, एक्सपीरियंसेस, आई थिंक कंपनी, द पीपल अराउंड यू, जैसे आपने कहा, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे या बुरे, हर एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखाता है, तो आई थिंक उससे आपको एक्सपोजर मिलता है। पहली बात तो एक्सपोजर बहुत ज्यादा जरूरी है, बुक्स, वेब सीरीज ये सब तो बाद में आता है। आई थिंक एक्सपोजर जो आपका होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके कुकून में रह जाओगे, आपके अंदर ही आप कुकून में, एक बबल में रह जाओगे, जो आज के जमाने में बहुत ज्यादा कॉमन है, सबको लगता है कि आप, मतलब बाहर की दुनिया को तो मैं जानता हूँ, ये है वो है, लेकिन हमें एक्सपोजर ही कम मिला है, क्योंकि हमारा इंडियन कल्चर ही वैसा है कि हम लोग ज्यादा हमारे कुकून में रहते हैं। लेकिन ये, इसके भी बहुत सारे फायदे हम लोग उठा नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुकून से बाहर आके अगर हम लोग वर्ल्ड एक्सप्लोर करें, हम लोग कल्चर्स एक्सप्लोर करें, या हम लोग लोगों से बात करें, एक्सपीरियंसेस हम लोग हमारे बढ़ाए, अच्छे या बुरे कुछ भी हो सकते हैं, तो आई थिंक नॉलेज हमें मिल सकती है, और बुक्स, वेब सीरीज, वो सब एक्सपीरियंसेस में ही आता है। और अब आपके सामने नेक्स्ट सवाल लेके आ रहे हैं, बहुत ही क्यूट है, बोली है, चुलबुली है, नटखट है आंशी पारेख, जो भूज से है, आपको ये सवाल पूछ रही है, तो आइए मिलते हैं आंशी को, प्यारी सी गुड़िया को, स्क्रीन पर। हाय गोली, मेरा नाम आंशी पारेख है, मैं भूज कच्छ से हूँ। मैं रेगुलर तारक मेहता देखती हूँ, और इस लॉकडाउन में मैंने और मेरे भाई ने तारक मेहता ही देखा है। मुझे आपसे क्वेश्चन है, आप एक्टर हो, आप सेलिब्रिटी हो, तो सेलिब्रिटी होने का कुछ तो फायदा होगा ना? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब फायदा नहीं उठा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया है। उसमें से एक आपको मैं बताना चाहूँगा। एक बार मैं रिक्शा में जा रहा था, और मेरी आदत है कि मैं शूटिंग से जब रिक्शा में जाता हूँ तब मैं सो जाता हूँ। तो मैं जब उठा तो मेरे घर के सामने था एक, तो मैं, और जब मैं उतरा और मैं कैश निकालने गया, तब मेरे रिक्शा वाले ने मुझे बोला कि रहने दीजिए सर, आप पैसे मत दीजिए। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया?
तो उन्होंने बोला कि आप मेरे अगर फैमिली को इतना हंसाते हो तो मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट जेस्चर लगा, उसका ये बोलना भी बहुत बड़ी बात थी। अल्टीमेटली ऑफ कोर्स आई पेड हिम, मतलब मैंने बहुत उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप प्लीज़ पैसे ले लो, और उन्होंने लास्ट में ले लिए। लेकिन ये बोलनी भी बहुत बड़ी बात है, तो आई थिंक ये जो भी प्यार है आई एम थैंकफुल फॉर इट। तो जैसे कि आप और हम जानते हैं कि कुश माने गोली, जो बहुत ही कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमेडी ट्रैक पे जाते हैं। तो आइए माहौल को और थोड़ा हल्का फुल्का बनाते हैं। और गोली, ये थे हमारे जनता जनार्दन के सवाल, और अब आपके सामने आ रहे हैं हमारी जनता दे धनार्दन। क्या है ये जनता दे धनार्दन? आपको लाफ्टर और कॉमेडी सीरियल से, तो आइए हमारी अनोखी अदालत में भी थोड़ा हल्का सा कॉमेडी तड़का लगाते हैं और आपके सामने लाफ्टर लेके आते हैं। सो कमाल धमाल सवाल पूछने के लिए आ रहे हमारे जनता दे धनाधन। जनता दे धनाधन की ओर से सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी बाबूराव जी को। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ बाबूराव जी, आप अपने अलग ही अंदाज में आइए और रखिए आपका पहला सवाल। नमस्ते नमस्ते भाई। अरे जज साहेब, ओ प्रकाश साहेब, आप बार बार नीता मैडम को और पूनम मैडम को देखते हो, आप गोली साहेब पे फोकस करो, इनको मैं देखता रे बाबा। ऑर्डर ऑर्डर। ए गोली बाबा, अरे तुम जिस जिम में जाता है, मेरा बेटा इतना जीत किया, बोला गोली बाबा के जिम में मेरे को जाने का है, मैं खून पसीना का पैसा जमा करके मेहनत करके उसको भेजा, अब तुम जाता नहीं तो वो भी नहीं जाएगा, तुम दोनों जाओ, थोड़ा पेट कम करो रे बाबा। हाँ कल से जाने का, हाँ जाने का बाबा। एक्चुअली ऐसा हो जाता है मुझ में, थोड़ा क्या है मोटिवेशन कम हो जाता है कभी कभी, नहीं लेकिन आई प्रॉमिस, आज मैं इंटरव्यू पे लाइव बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट जब भी ये लॉकडाउन खुलेगा मैं आपको रोज जिम में मिलूंगा। ए राजू, क्या मस्त प्रोग्राम बनाया रे बाबा, एकदम फर्स्ट क्लास, बोले तो एकदम फर्स्ट क्लास, सबको अपन दिल से थैंक यू बोलता है, नीता मैडम, पूनम मैडम, गोली बाबा, जज साहब, जय हिंद जय भारत। सो आ रहा है एक ऐसा मराठी मानस जो किधर भी जाता है गुस और करता है ऐसे सवाल जो मचा देते हैं बहुत ही बड़े बड़े बवाल। तारक मेहता का नाम, मैं एक भी शो भी ना देके रहती नहीं हूँ, मैंने तो ना घर में भी सबको बोल दिया, पहले मैं तारक मेहता देखेगी फिर ही बीजेपी करेगी, बीजेपी बर्तन झाड़ू पोछा। तारक मेहता में अपना दो ही फेवरेट, एक जेठा और दूसरा गोली बाबा, जेठा बहुत ही सोना और गोली, गोली बाबा को देख के तो मेरे को ना कुछ कुछ होता है। अरे मैडम, ये लॉकडाउन के टाइम में ना इधर जाने का ना उधर जाने का ना काम ना कुछ, और ये कोरोना का नेगेटिव सुन सुन के तो इतना कंटाला आ गया है ना, अच्छा हुआ आपने ये शो रखा, अभी हमारा भी कुछ एंटरटेनमेंट हो जाएगा। थैंक यू शकू भाई, आप आए, 2 महीने के बाद तो शकू भाई की शक्ल दिखाई दी है, तो आज सबको बहुत शांति होगी। गोली बाबा, मैं आपको एक सवाल पूछती, आप है ना ऐसा कुछ बताओ जो आपको ही पता है, जनता जनार्दन को नहीं पता, ऐसा कुछ बताओ ना तो मजा आ जाए। हाँ, लोगों को ये नहीं पता कि मैं बहुत कम खाता हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा कम क्वांटिटी में खाना खाता हूँ, अनलाइक दिस। सो हाँ, और अब आपके सामने कच की बातें लेके आ रहे हैं हमारे कच के पापा हिरजी भाई गट्टा फ्रॉम लाइजा। कच सुधी गल पूछे भाई, पूछा पूछा। तुम कच से हो लेकिन तुम्हारे ऊपर ये आरोप है कि तुम कच के होने के बावजूद तुम्हें कच के बारे में कुछ भी नहीं पता। अरे कैसे कैसे आरोप लगा सकते हो, मुझे कच के बारे में सब तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो पता ही है यार। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल, तुम मुझे ये बताओ कि जेसल तोरल की समाधि कच्छ में कहां पर है? अंजान में। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। चलो मेरा अगला प्रश्न, अब
इसका उत्तर तुम दो तो तुम्हें माने। मुझे ये बताओ, वो कौन शख्स है जिसके वीर सावरकर शिष्य रह चुके हैं, जिन्हें हम कच्छ के पनोता पुत्र के नाम से भी जानते हैं, और जिनकी अस्थियां 100 वर्ष तक जिनीवा में पैसे देकर संभालने रखी थी। उन अस्थियों को नरेंद्र मोदी साहब भारत लेके आए और मांडवी में उसका स्मारक भी बनाया है। बताओ। क्रांतिवीर पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, भानुशाली परिवार। वाह बेटा वाह, कोनो गाल है, मनी वे हो ताके मनी वे। चलो तो अब तुम्हारे लिए आखिरी सवाल, अगर इसका जवाब तुमने सही दे दिया तो तुम्हारे ऊपर लगे हुए सभी आरोपों को माफ कर दिया जाएगा। ध्यान से सुनना, मुझे ये बताओ कि जब कच्छ में कंवर साहब का जन्म होता है तब क्या प्रणाली है? तो जब कुंवर साहब मतलब द प्रागमल जी द थर्ड जब जन्म लेते हैं तब एज पर द रिवाज सबको सब कैदियों को रिहा कर दिया गया था, और तब तक जब तक जेल खाली था तब तक जेल में एक काली बकरी वो लोग रखते थे ताकि जेल खाली ना रहे। वाह बेटा वाह, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। फिल्म इंडस्ट्री टेलीविजन इंडस्ट्री में होने के बावजूद बंबई में रहते हो फिर भी तुम्हें कच्छ की संस्कृति के बारे में इतना कुछ मालूम है, सच में बेटा सैल्यूट है तुम्हें, सैल्यूट। और मैं जज साहब से विनती करता हूँ कि इस लड़के पर लगाए हुए सभी आरोपों को खारिज किया जाए और इस लड़के को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। चलो हाड़े आऊ। अच्छा तो भले ए पेड़ा माय मिणी के पेड़ा अच्छी जा मेरे अच्छी जा। तो कुश अब जाते जाते हमारी जनता जनार्दन और जनता दे धनार्दन और इन सभी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो जो भी यूथ से इंटरव्यू देख रहे हैं उन्हें बोलना चाहूंगा कि हम ऐसे समझते हैं कि हमारे पास इनफ एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, जो कि एक्सपीरियंसेस हमेशा कम पड़ते हैं। आई थिंक अच्छे या बुरे एक्सपीरियंसेस जो भी हो लेकिन एक्सपीरियंसेस लेना सीखना चाहिए सबको, क्योंकि एक्सपीरियंस से ही आई थिंक पर्सपेक्टिव आएगा, और पर्सपेक्टिव आएगा तो इनोवेशन आएगा, इनोवेशन आएगा तो ऑब्वियसली हम लोग एज अ ह्यूमन फ्लरिश करेंगे बहुत ज्यादा। तो ऑल्सो और एक बात है इसमें, इसका फर्स्ट स्टेप यह है कि यू शुड नो योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ और वो सब तो ठीक है लेकिन यू शुड नो योर सेल्फ। आपसे कभी झूठ नहीं बोलना लाइफ में, खुद से कभी झूठ नहीं बोलना, खुद को मिरर के सामने देख के बोल देना चाहिए बुरा लगा तुझे, हाँ मुझे बुरा लगा, ओके फाइन। खुद को कभी बुरा, खुद को अच्छा बुरा जो भी फील होना चाहिए वो खुद को बता देना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर क्या करते हैं खुद से झूठ बोलते हैं, खुद को मैनिपुलेट करते हैं और फिर अलग रास्ते पे चले जाते हैं, और आई डोंट थिंक दैट इज द राइट पाथ। हमें खुद से सच्चाई रखनी चाहिए और उससे ही फिर अच्छे या बुरे एक्सपीरियंसेस होंगे, अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस होंगे तो मैंने आपको कहा इनोवेशन होगा, इनोवेशन होगा तो हमारा फ्लरिशमेंट होगा। दैट्स इट। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू नीता जी मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और ऑल्सो ये बोलना चाहूंगा कि आपकी ये जो अदालत है वाकई में बहुत 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 अनोखी है, और यहाँ पे आके मुझे एक अलग एक्सपीरियंस मिला, बहुत मजा आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू कुश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तमाम सबूत गवाह, हमारे ऑडियंस का इंटरेक्शन, हमारे वकील नीता गाला और पूनम थरूर, इन दोनों की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ये अनोखी अदालत आज इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम गोली को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए, और ना सिर्फ रिहा कर दिया जाए बल्कि गोली ने जो अच्छे काम किए हैं, लोगों का मनोरंजन किया है, लोगों को एंटरटेन किया है, इस अच्छे काम के लिए उन्हें पुरस्कृत करने के लिए ये अनोखी अदालत उनके नाम की सिफारिश भी करती है। लेकिन इस वक्त एक वार्निंग ये अनोखी अदालत गोली जी को देना चाहती है, और वो वार्निंग ये है कि जब भी इस अनोखी अदालत को इमरजेंसी एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ेगी तब ये अदालत गोली के नाम से एक जनता वारंट निकालेगी, और वो वारंट मिलते ही गोली को सारे काम छोड़कर इस अनोखी अदालत पे हाजिर हो जाना है।
इसी के साथ साथ आज का ये मुकदमा यहीं पर खत्म होता है और ये अनोखी अदालत आज के लिए बर्खास्त होती है। क्या बात है, हमने तो एंजॉय किया, आप सभी ने एंजॉय किया? दोस्तों, आप सभी को हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, एक अनोखी अदालत पुनीता केवल पूनम और नीता के साथ। तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मैं चाहूंगी आप सभी को इसी बात के साथ कि आप सभी इंतजार में रहेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में गेस्ट कौन आने वाले हैं। तो मैं आपको इतना कह देती हूँ कि बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे, बहुत ही प्यारे से सेलिब्रिटी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हमारी अदालत में, आपके सवाल होंगे और हमारे गेस्ट के जवाब होंगे। सो मिलते हैं, और जाते जाते मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि आपकी मुस्कुराहट कभी आपसे ना छूटे, आपका हर दर्द मिनटों में टूटे। अरे खुदा भी आप पे इतना मेहरबान हो, खुदा भी आप पे इतना मेहरबान हो कि आसमान के तारे भी आपकी मर्जी से टूटे, आसमान के तारे भी आपकी मर्जी से टूटे। सो बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।